टुनी और बबलू ने जंगल में एक ढाबा खोला था। बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। उसके खाना की तारीफ जंगल में हर कोई करता था। अरे टुनटुनी बहन, क्या दाल मखनी बनाई है, मजा आ गया। क्यों जी, मैं कभी दाल मखनी अच्छा नहीं बनाती क्या? अरे भाग्यवान, तू तो अपनी बात छोड़ ही दे। तेरी दाल मखनी खाकर तो मैं बाथरूम से बाहर ही नहीं आता हूँ। अच्छा, आज टुनटुनी की दाल मखनी अच्छी लगने लगी है, मेरी दाल मखनी अच्छी नहीं लगती है। अरे अरे, आप लोग लड़ो मत। टुनटुनी ने गुन्नू कबूतर और उसकी पत्नी को समझाया। बबलू और टुनटुनी का ढाबा तो अच्छे से चल रहा था, लेकिन बबलू दिन प्रतिदिन धूर्त और बेईमान होता जा रहा था। टुनटुनी को भी ऐसा ही करने के लिए कहता था। अरे भाग्यवान, थाली में इतना खाना परोसोगी तो मुनाफा क्या खाक होगा? मुनाफे के बारे में सोचो, खाना थोड़ा कम कम परोसो। ऐसा मत करो, ये सारी बातें बोलो भी मत, ग्राहक भाग जाएंगे। अरे भाग्यवान, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ी सी दाल कम कर दो, थोड़े सी पनीर कम कर दो, और क्या। तुम चुप करो और गल्ला संभालो, इस तरीके से ग्राहकों के साथ नहीं किया जाता है। ठीक है ठीक है, जाओ तुम उधर देखो, दाल मखनी जल न जाए। अरे हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ किचन में। टुनटुनी के जाते ही बबलू थाली में से खाना कम कर देता है और अपने नौकर कालू कौवे को बुलाता है। अरे ओ कालू, सुन कालू, आया मालिक आया, बोलो बोलो, ये ले जा और उस टेबल पर दे आ, अभी दे आया मालिक। कालू कौवा वो थाली ले जाकर मीनू मौसी और उसके बेटे के टेबल पे पहुंचा देता है। अरे वाह वाह, काले कलमुहे, तुझे तो यहाँ नौकरी मिल गई है, तेरे तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। तेरा मालिक तो खूब कमा रहा है, मुनाफा तुझे भी देता होगा। अरे कहाँ मौसी, मुनाफा और बबलू, बबलू तो इतना कंजूस है और महाधूर्त है कि पूछो नहीं। वो मुझे एक तो कोई भी चीज खाने को हाथ नहीं लगाने देता है। अच्छा ऐसा है, अच्छा कोई नहीं कलमू है, तेरी तो शकल भी ऐसी है, कोई तुझे क्यों देगा। अरे मौसी, तुम भी ना जली कटी सुनाती रहती हो। अरे कभी तो अच्छी बातें कर लो, प्यार भरी मीठी बातें। देख काले कौवे, मेरी मीठी बातें करने से तू काला से गोरा तो नहीं हो जाएगा। तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ओ कालू, कहाँ मर गया, जल्दी आ। बबलू की आवाज़ सुनकर कालू हड़बड़ा जाता है। अरे अरे मौसी, तुमसे बात करने के चक्कर में मालिक की डांट पड़ जाएगी, चलो चलो मैं जाता हूँ। जा जा निकट्टू जा। कालू कौवा काम पर लग जाता है। शाम को बबलू गल्ले से पैसे गिन रहा था। आज तो मुनाफा 100% ज्यादा हुआ है, कल भी कुछ तिकड़म लगाना होगा, तभी कुछ फायदा होगा। अगले दिन दुकान शुरू ही कर रहा था बबलू कि एक बूढ़ा बाज आ जाता है। अरे भाई, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, भूख लगी है, 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। अरे क्या बाबा, क्या आकर यहाँ बदमाशी कर रहे हो, यहाँ से जाओ जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अरे बेटा, ये तो खाना पड़ा हुआ है। अरे बाबा, ये कल का खाना है। अरे कोई नहीं, तुम मुझे कल का ही खाना दे दो, मैं कल के खाने को भी खा लूँगा, मुझे भूख लगी है। बड़ा आया कल का खाना खाने वाला, इस खाने को मैं तड़का लगा कर फिर से नया कर दूंगा और अपने ग्राहक को परोसूंगा, पैसे हैं तो दो। अरे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर निकलो निकलो यहाँ से, यहाँ शकल वकल मत दिखाओ अपनी। ठीक है, तूने एक बूढ़े को लौटाया है, मेरा श्राप लगेगा तुझे,
तू जिंदगी भर भूखा रहेगा, तुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, सबका स्वाद बेकार लगेगा। इतना कह के वो बाज वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया श्राप देने वाला, समय बदल गया, दुनिया बदल गई और ये बूढ़े बाज नहीं बदले हैं। तभी टुनटुनी वहाँ पहुँचती है। अजी क्या हुआ, मैं कुछ आवाज सुन रही थी, कोई था शायद यहाँ? अरे कोई नहीं था टुनटुनी, जाओ जल्दी से खाने की तैयारी करो। अरे ये बासी बचा हुआ खाना है, इसे फेंक देना या फिर पास में गौशाला है वहाँ दे आना। अच्छा अच्छा, मैं सब कर दूंगा, तुम बस अपने काम पर ध्यान रखो, मेरे काम पर ध्यान मत दो। टुनटुनी ने जाकर किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। कालू कौवे के साथ मिलकर वो खाना बना रही थी और इधर ताजा सब्जियों में पुरानी सब्जियाँ बबलू मिला रहा था। अरे किसको क्या पता चलेगा, ये ताजी सब्जियों में थोड़ा सा पुराना सब्जी मिला दिया तो बस बन गई तरकारी। मस्त तरकारी है ये, थोड़ा केवड़ा डाल देता हूँ, महक भी खत्म हो गई, अब तो ये बहुत बढ़िया वाला बन गया। अब मुझे थोड़ा सा भूख लगा है, क्या करूँ, चखूँ क्या इसे? एक प्लेट में वो सब्जी निकालता है। अरे ये भूख तो मिटी नहीं रही है, थोड़ा और लेता हूँ, थोड़ा और। अच्छा है, लेकिन अब मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा, भूख तो लगी है, बहुत भूख लगी है। धीरे धीरे बबलू पूरे दुकान का खाना खत्म कर चुका था। टुनटुनी जब दुकान पे आती है। अरे ये सारा खाना कहाँ चला गया? मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया। अरे ये क्या कह रहे हो, इतना सारा खाना? अब मुझे और भी भूख लगी है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये हो क्या क्या है तुम्हें? मालकिन ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। अरे कालू लग तो मुझे भी रहा है, लेकिन अब क्या करें? मैं जा रहा हूँ जंगल, जंगल में देखूंगा कुछ अच्छा खाने को मिलेगा तो, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बबलू वहाँ से उड़ा और उड़ते उड़ते उसे एक सुगंध मिली। अरे लगता है यहाँ पर गौरी बहन कुछ पका रही है, कालू कौवा तो दुकान पे है, देखो क्या पका रही है। खिड़की से बबलू ने देखा गौरी दाल भात बना रही थी। अरे ये तो दाल भात है, सुगंध अच्छी है, गौरी को जाने देता हूँ, फिर इसके घर में घुस जाऊंगा। गौरी किसी काम से बाहर निकलती है और बबलू उसके घर में घुसकर उसका सारा खाना खा लेता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। अरे भूख फिर भी नहीं मिटी, अब क्या करूँ, कहीं और देखता हूँ, जंगल में कोई फल देखता हूँ। उधर गौरी जब वापस आई। अरे मेरे खाने को कौन खा गया, ये कौन आ गया है जो खाना खा रहा है? टुनटुनी बेहद परेशान हो चुकी थी और टुनटुनी को समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सारा खाना ढाबे का खत्म हो चुका था। अरे टुनटुनी बहन, आज ढाबा बंद है क्या, कहीं खाने की कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, गुन्नू कबूतर ने बोला। हाँ भैया आज ढाबा बंद है, आप आज कहीं और चले जाओ। अरे कहाँ जाऊँगा, इस जंगल में तेरे ढाबे के अलावे है क्या? तभी वहाँ टीकू पहुँचता है। अरे टुनटुनी क्या बात है, ढाबा बंद क्यों रखा है? हाँ कुछ समस्या आ गई थी इसीलिए ढाबा अभी कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। अरे कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे भैया क्या बताऊँ, बबलू जी ने सारा खाना खा लिया है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो, चील भी बोल पड़ा। अरे टुनटुनी बबलू का पेट तो थोड़ा सा है, इतना खाना कहाँ से आएगा उसके पेट में? अरे आ रहा है, और इस खाने की वजह से मेरा सारा अनाज खत्म हो जा रहा है, कुछ दिन में तो हमेशा के लिए ये ढाबा बंद करना होगा। आती हूँ भैया पानी लेकर, कम से कम पानी तो पीऊंगी। इतना कह के टुनटुनी घड़ा लेकर नदी की तरफ बढ़ जाती है। जब वो नदी के पास पहुँचती है तो देखती है एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बाज बैठा रो रहा है। अरे आप रो क्यों रहे हैं, क्या हो गया आपको? अरे मुझे भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा मैं देखती हूँ,
शायद मेरे पास कुछ हो। टुनटुनी जाती है और बचे खुचे चावल दाल से खिचड़ी बनाकर ले आती है। ये लो भैया, खा लो, और तो कुछ नहीं बचा है। बाज खा लेता है। अरे वाह, तुमने बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? अरे उदास न हो तो क्या करूं? मेरे पति आजकल सारा खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी भूख ही नहीं मिट रही है। मैं परेशान हो गई हूँ, उन्हें कैसे ठीक करूं? मैं जानता हूँ, मैंने ही उसे श्राप दिया था, इसी वजह से वो भूखा घूम रहा है। पापा पापा, अगर आपने श्राप दिया था तो इस श्राप को हटा लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्राप हटाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूँ। ये लो, एक जादू से उसने गाय पैदा कर दिया। इस गाय को ले जाओ और इसे खुश करो। अगर ये खुश हुई तो ये देगी दूध, और उस दूध को पीने से तेरे पति की भूख शांत हो जाएगी। मैं सब कुछ करूँगी, मैं इस गाय को खुश करूँगी। देख ले, अगर खुश नहीं हुई गाय तो फिर तेरा पति हमेशा भूखा ही रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये गाय माता जरूर खुश होगी। आखिरकार टुनटुनी गाय को ले आती है और बबलू गाय देखकर चिढ़ जाता है। अरे ये क्या लेकर आ गई हो? एक ढाबा बंद है, ऊपर से इसे खिलाने का टेंशन। तुम चुप रहो, कुछ नहीं होगा। और रोटी में गुड़ लाकर खिलाने ही वाली होती है कि वो गुड़ रोटी वाला कटोरा छीन लेता है बबलू। अरे लो लो, मुझे भूख लगी है, इस गैया को नहीं खिलाना है, मुझे खिलाओ। अरे ये क्या किया, एक यही रोटी तो मैंने मांग कर इधर उधर से लाया था, वो भी तुम खा गए। कैसे होगा, हे भगवान, क्या खिलाऊं गाय माता को? किसी तरीके से घास काट कर लाती है टुनटुनी और गाय माता को खाने को देती है। हे गाय माता, खुश हो जाओ, हम और परेशानी हमें मत दो। गाय दूध देती है जिसके पीने से अब बबलू ठीक हो जाता है। मैं अब लोभ लालच बेईमानी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा टुनटुनी। मैं कहती थी ना, देखा आपके एक कंजूसी और धूर्तता से क्या हो गया। अरे नहीं, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आखिरकार अब बबलू और टुनटुनी का ढाबा फिर से चल पड़ा और सब कुछ ठीक हो गया। अरे निखट्टू, उठोगे भी? जाओ जाकर सब्जियाँ बेच कर आओ। अरे बिजली, सुबह सुबह परेशान मत करो, ये बिजलियाँ गिराना बंद करो। कोई हमारी सब्जी नहीं लेता है, दिन भर बैठा रहता हूँ और सब्जी की दुकानें इतनी है वहाँ पर कि कौन हमारी सब्जी लेगा। अरे तो क्या घर में बैठे रहोगे? जाओ सब्जी लेकर, कुछ तो बिकेगा। जाता हूँ जाता हूँ। कालू कौवा सब्जियों का थैला लेकर पहुंचता है दुकान पर। हाट में बहुत सारे सब्जियों के दुकान थे, ऐसे में कभी बिक्री होती थी और कभी बिक्री नहीं होती थी। कालू कौवा बहुत परेशान था, रोज आमदनी मुट्ठी भर होती थी, खाने के लिए भी दिक्कतें होने लगी थी। एक दिन कालू कौवा हाट में ही दुकान लगाकर खड़ा था। बगल में मीनू मौसी का भी सब्जियों का दुकान था। अरे कालू कलमुए, आज तेरी सब्जी बिकी की नहीं। अरे मौसी, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो? तुम्हारा तो खेत है, अपने खेत से सब्जियाँ लाती हो, 4 रुपए में भी बिके या 40 रुपए में भी बिके, तुझे तो मुनाफा होता है। मैं साहूकार से सब्जियाँ खरीद कर लाता हूँ, नहीं बिकती है तो बड़ा नुकसान हो जाता है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। अरे सुन, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। मैं तो ठहरी बूढ़ी, मैं जा नहीं सकती, लेकिन तू है जवान हट्टा कट्टा, तू तो कर सकता है। अरे मौसी बताओ तो सही,
करना क्या है? पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो सुन, करना ये है कि तू सब्जियों का थैला लेकर या टोकरी में भरकर जंगल में लोगों के घर घर जाकर पूछ, वही तेरी सब्जियाँ ले लेंगे। तुझे यहाँ इतनी दूर हाट आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मौसी, ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात कही है, ऐसा ही करूँगा कल से। कालू कौवा वापस गया। बिजली को उसने सारी बात बताई और बिजली ने एक टोकरी में सारी सब्जियां कर दी। अब उन सब्जियों को लेकर कालू कौवा हर एक पंछी के दरवाजे पर पहुंचने लगा। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जियां। अरे कालू भैया। हाँ टुनटुनी बहन। सब्जी बेच रहे हो, बहुत अच्छा किया भैया। बड़ी दूर जाना पड़ता था हाट लाने के लिए, अब बगल में ही सब्जी मिल जाए तो मजा ही मजा। अरे बगल में नहीं बहन, अब तो तुम्हारे घर के सामने। मैं सभी के दरवाजे पर पूछूंगा, जिन्हें सब्जियां चाहिए वो सब्जियां ले ले। हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है। और टुनटुनी सब्जियां खरीदती है। धीरे धीरे कालू का धंधा ठीक चलने लगा था। अब तो आराम से सब्जियां बिक जाती और शाम को पैसा भी अच्छा खासा आता। लेकिन एक दिन कालू कौवा सब्जी की टोकरी लेकर बेचने निकला, तभी एक शिकारी चील उसके पीछे पड़ गया। अभी बताता हूँ, आज तो मुझे मांस खाने को मिलेगा। शिकारी चील ने उस पर पंजा मारा। किसी अब कालू घर आया, लेकिन कालू की एक टांग टूट गई थी। अरे ये तो मेरी टांग ही टूट गई, अब मैं क्या करूँगा बिजली। अरे क्या करोगे, वापस से दुकान में ही बैठना होगा। कालू कौवा वापस से दुकान में बैठने गया। अरे काले कलमुहे, क्या हो गया? तू जंगल में सब्जी बेचना छोड़कर वापस क्यों आ गया? अरे मीनू मौसी, बुढ़ापे में तेरी आंखें भी खराब हो रही है ऐसा लगता है। मीनू मौसी, तुझे दिख नहीं रहा है, मेरी टांग टूट चुकी है, कैसे उड़ूंगा कैसे पकड़ूंगा, बहुत दिक्कत है मौसी। आहा, तो सुन एक और उपाय बताती हूँ। हाँ मौसी बताओ, तुम्हारे उपाय में मुनाफा खूब होता है। तू ऐसा कर, बिजली को कह कुछ अलग चीज बनाए, पापड़ बरी ऐसी चीजें बनाए, तू सब्जियों के साथ उसे भी लेकर आ। ग्राहक को अगर पसंद आता है तो तेरी सब्जियां भी बिकेंगी और वो भी बिकेगा। हाँ मौसी, ये तो तुमने सही कहा, मैं कोशिश करके देखता हूँ। कालू कौवा वापस जाता है और बिजली को सारी बात बताता है। हाँ हाँ मैं बना दूंगी पापड़। अगले दिन पापड़ बना देती है बिजली। पापड़ लेकर पहुँचता है कालू कौवा। अरे ये क्या है भाई, ये क्या बेच रहा है तू? ये पापड़ है भैया। अच्छा एक खिला दो, ये लो। स्वाद तो बड़ा अच्छा है, एक पैक कर दे मुझे, ये लो भैया। उस दिन थोड़े से पापड़ बिके। अगले दिन वो पंछी फिर आया। अरे मैंने अपने पड़ोसी को तुम्हारा पापड़ खिलाया, वो तो बड़ा खुश है, उसे भी दे दो। ठीक है भैया, ये लो। अगले दिन उस शाम जब लौटता है कालू, तो यस का तस रहता है सब्जियों का थैला। अजी आपने सब्जियां नहीं बेची है क्या? अरे ये लो पैसे। अरे सब्जियां तो वैसी ही हैं, फिर पैसे? मैंने पापड़ सारे बेच दिए हैं और ये पैसे उसी के हैं। अरे वाह। आखिरकार अब पापड़ का व्यापार कालू कौवे का खूब चलने लगा था। एक दिन
वहाँ टीकू सेठ पहुँचता है। अरे कालू। हाँ सेठ जी, बताओ, सुना है तेरे पापड़ में बड़ा दम है। अरे नहीं, दम तो नहीं है, टूट फट फट जाते हैं, खाने में स्वाद बहुत अच्छा है। अरे वही कहना चाह रहा था, सुन मुझे भी तेरे पापड़ चाहिए। हाँ जी हाँ जी, बोलो ना, कितने दे दूँ, 10 पैक कर दूँ? अरे नहीं, मुझे कम से कम 100 केजी चाहिए। क्या बात करते हो टीकू सेठ। हाँ भाई, मुझे इतना ही चाहिए, मेरा शहर में एक बड़ा फैक्ट्री और दुकान है, मुझे सप्लाई करने हैं कस्टमर को। बिल्कुल, मैं रेडी करवा दूंगा। देख लो, तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, पापड़ रेडी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रेडी हो जाएगा। कालू कौवा बिजली को जाकर सारी बात बताता है। बिजली कहती है, इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगा, हमें जंगल के कई सारे पंछियों को बुलाना होगा, तभी होगा। आप टीकू सेठ से एडवांस ले लो, ताकि हम भी जो कारीगर होंगे उनको पैसे दे सकेंगे। कालू कौवे ने यही किया। अब उनके पास एडवांस पैसा था, जिसे उन्होंने पंछियों को बांट दिया। और फिर सारे पंछी मिलकर 7 दिन के अंदर 100 केजी पापड़ तैयार कर दी। टीकू सेठ वो पापड़ लेकर चला गया। पूरी पेमेंट कर दी। अब तो कालू और बिजली को एक आइडिया मिल गया, और कालू और बिजली बड़े रूप में अपने बिजनेस को फैलाने लगे। और खुद ही कई सारे शहर के दुकानों में भी बेचने लगे। अब जंगल के बहुत सारे पंछियों को रोजगार मिल गया था, और सभी खुशी खुशी रहने लगे थे।